छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं में एक नया अध्याय शुरू करेंगे, राजनीति शास्त्र में अधिकार, राइट्स। तो हमें ये व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से अच्छा बनाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए, देश में अच्छी स्थिति, नागरिकों के जो अधिकार हैं यदि अच्छे प्राप्त हैं तो देश की स्थिति भी अच्छी होती है। तो हम ये अधिकार में का पहला भाग पढ़ेंगे। तो ये अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? आपने इसके पहले भी जो पाठ पढ़े न्याय, ये भी मानव से संबंधित था, क्योंकि तो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और सारे अधिकार, सारी चीजें हैं वो सब मानव के द्वारा, मानव को ही अच्छा बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो मानव जीवन की विशेष परिस्थितियां जो मानव के विकास के लिए वो रहे, जिससे मानव का विकास हो, ये पूरा विकास के लिए परम आवश्यक है। तो यही क्या है? अधिकार। अधिकार के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। लास्की ने भी बताया, मेकन ने भी बताया कि अधिकार सामाजिक उन्नति की कुछ लाभदायक परिस्थितियां हैं जो नागरिकों के वास्तविक, मतलब नागरिकों का विकास अच्छी तरह से हो सके। तो ये नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। कुछ अधिकार जन्मजात भी हैं, कुछ प्राकृतिक अधिकार भी हैं, और कभी-कभी मानव कुछ अधिकारों की क्या करता है? मांग है, मांग करता है, क्योंकि सामाजिक उन्नति के लिए काम का अधिकार का मांग करता है, ताकि वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो समाज द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की इन मांगों को ही क्या बोलते हैं? अधिकार। तो ये अधिकारों की पूर्ति करने का काम किसका है? राज्य का, सरकार का। तो लास्की ने कहा है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक है, समाज में रहता है। अब हम ये देखेंगे कि अधिकार आता कहाँ से है। अधिकार हमें समाज में रहते हुए ही आता है। काम करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। यदि व्यक्ति अकेला है, एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है, तो वो अधिकार का उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब वो समाज में रहता है, सारे लोगों के बीच में रहता है, सब किसी को देखता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इन या हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके मन में अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाती है। तो एक अधिकार का जो आता कहाँ से है, तो इसका एक प्रमुख सिद्धांत है प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त है, स्वतंत्रता, जीवन स्वतंत्रता और सुख से है। तो ये हम सामाजिक प्राणी हैं, तो इसके अनुसार मनुष्य का अधिकार है वो प्राकृतिक है, और जन्म सिद्ध माने को प्राप्त होते हैं, मतलब उन्हें कोई भी मनुष्य छीन नहीं सकता। राज्य उन्हें मान्यता प्रदान कर सकता है। तो कुछ विचारक हैं जो हॉब्स, लॉक, रूसो, थॉमस पेन, ब्लैक स्टोन, इन्होंने इसी मत का समर्थन किया कि इस आधार पर वर्तमान में भोजन, वस्त्र, निवास मतलब रहने का स्थान, आजीविका के अधिकारों को प्राकृतिक मानकर उन्हें मूल अधिकार माना जाए। तो इसके लिए हमारी सरकार बहुत प्रयास भी करती है और उनके आवास के लिए भी योजनाएं बनाती है कि ताकि वो ये प्राकृतिक अधिकार उनको मिल सके। दूसरा है, इसका ये आलोचना की गई है, इसके और भी अधिकार हैं, तो कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की गई है। आलोचना के ये प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु है प्राकृतिक शब्द के अर्थ की अनिश्चितता, मतलब प्राकृतिक जो शब्द है ये भ्रमपूर्ण कहा गया है कि इसका कोई अर्थ निश्चित नहीं है। और जो प्रोफेसर रिचि ने बताया कि प्राकृतिक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि का वह भाग जहाँ मनुष्य नहीं है, आदर्श या पूर्ण लक्ष्य, अपूर्व, साधारण या औसत,
लेकिन ये सिद्धांत वहां लागू होगा जहां मानव सामाजिक है, समाज में रहता है। दूसरा जो आलोचना का बिंदु है वो है प्राकृतिक अधिकारों की अनिश्चितता। मतलब प्राकृतिक अधिकार कोई निश्चित नहीं है, उनकी कोई मतलब लिस्ट आप काउंट नहीं कर सकते हो कि कितने प्राकृतिक अपन को अधिकार प्राप्त हैं। तो स्वतंत्रता प्राकृतिक है के पक्ष में है, तो कुछ विद्वान खासता प्राकृतिक हैं की बात करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति का आवश्यक और प्राकृतिक अधिकार है, तो कुछ के मतानुसार ऐसा नहीं है। ये आलोचना की गई है। इसके बाद हम और भी इसके वो पढ़ते हैं। दूसरा अधिकार है अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। तो ये वैधानिक सिद्धांत है, ये हमारी सरकार राज और कानून की क्या है, देन है। वे ही अधिकार वास्तव में अधिकार माने जाते हैं जो हमारे सरकार की तरफ से मान्य होते हैं। तो ये सिद्धांत का समर्थन किया बैथम, ऑस्टिन, हॉब्स और हॉलैंड ने। अब इस अधिकार का जो वैधानिक सिद्धांत है इसकी भी कुछ आलोचना हुई। तो क्या आलोचना हुई है देखेंगे कि केवल राज अथवा कानून के आदेश से कोई अधिकार हो जाता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अधिकार को कानूनी बनाने इसके पहले इसकी सामाजिक मान्यता आवश्यक है। कोई भी कानूनी अधिकार बनेगा तो उसको समाज में उसको परमिशन लेना पड़ेगा कि अधिकार बनाना है कि नहीं। अधिकार के विषय में राज्य की निरंकुशता का प्रतिपादन अनुचित है। यह सिद्धांत अधिकारों के विषय में राज्य के एकाकी अधिकार को मानकर समाज की उपेक्षा काल है जो अनुचित है। तो दूसरा था हमारा अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। तीसरा अधिकार है अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक मतलब जो परंपरा से चले आ रहे हैं, युगों से चले आ रहे हैं रीति रिवाज, और हम उनके आदि हो गए हैं, तो धीरे धीरे वो लिखित में ना होते हुए भी अधिकार बन जाते हैं। तो इस सिद्धांत के वर्क ऋचि क्या है, समर्थक हैं। किसी ने आलोचना भी की है कि अधिकारों का आधार केवल रीति रिवाज नहीं हो सकते हैं, यह अनुदारवादी सिद्धांत है। सभी रीति रिवाज सभी समाज में नहीं किए जाते हैं, एक ही देश में अलग अलग रीति रिवाज। तो ये इसकी आलोचना भी हुई है। इसका जो अगला अधिकार है वो है अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। मतलब ऐसे अधिकार दिए जाते हैं कि जिससे समाज का क्या हो, कल्याण हो। व्यक्ति को वे अधिकार मिलने चाहिए जिससे समाज में लोक कल्याण में वृद्धि हो सके, और जो अधिकार उसके कल्याण के मार्ग में रुकावट डालते हैं वो सब हट जाना चाहिए, वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कुछ ने इसकी आलोचना भी की कि सामाजिक हित के नाम पर व्यक्तिगत हित के बलिदान की संभावना है। मतलब कई व्यक्तिगत फायदा उठा लेते हैं। इस सिद्धांत में सामाजिक कल्याण व व्यक्तिगत कल्याण के हित के बीच में संघर्ष की भी संभावना है। पांचवा है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। मतलब कुछ आदर्श हैं, तो ये जो आदर्शवादी सिद्धांत है ये सभी राज्यों को नहीं मिलते हैं, जो उन्हीं को मिलते हैं जो इन मतलब आदर्शों को अपनाता है और सामाजिक हित में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही है, अधिकार मानव स्वभाव में निहित है। मतलब अधिकार तो बचपन है, प्राकृतिक है, प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा रहता है। तो इस अधिकार की भी आलोचना की गई कि व्यक्तित्व के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य के लिए असंभव है। व्यक्तित्व के विकास की व्यवस्था राज्य द्वारा कर पाना अव्यावहारिक है। मतलब राज्य हर व्यक्ति की
एक आदर्शवादी बनाने की व्यवस्था नहीं कर सकता है, वो प्रयास करता है लेकिन संपूर्ण प्रयास नहीं कर सकता। तो ये थे आपके अधिकारों के बारे में, प्रकार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अधिकारों के आवश्यक लक्षण या तत्व। तो ये देखेंगे आप, ये 8 तत्व हैं। अधिकार व्यक्ति की मांग है, अधिकार व्यक्तिगत भी मांग सकते हैं या सामूहिक रूप से भी हम मांग सकते हैं। तो ये, और वो भी अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो यह अपनी रुचियों, आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति हेतु यह मांग समाज से करता है। अधिकार व्यक्ति की क्या है? मांग। दूसरा, इसका जो लक्षण है वो, तो अधिकार समाज की स्वीकृति है। मतलब अधिकार मिल गया मतलब समाज में ये चीज मान्य हो गई है, समाज के द्वारा सामूहिक रूप से मांग की जाती है। और जब मांग की जाती है और यदि वह उचित है तो वह अधिकार बन जाता है। समाज की स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति की मांग अधिकार नहीं है। जिससे अधिकार का कोई औचित्य नहीं है, जिससे कुछ समाज में कुछ उसकी उपयोगिता नहीं है, तो वो अधिकार नहीं है। तीसरा है, अधिकार न्याय संगत है। अधिकार मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे हमें कुछ न्याय न्याय मिल सके, सही अधिकार हो, तर्क संगत हो। और जो अधिकार का कोई तर्कहीन हो, स्वार्थपूर्ण हो, अनैतिक हो, तो उसकी मांग अस्वीकार कर दी जाती है। चौथा है, अधिकार लोक हित पर आधारित होना चाहिए। ये बार बार आपको बताया जा रहा है कि व्यक्ति समाज में रहता है और वही, जिससे कि सारे जन का क्या हो, हित हो, तो उसी का हम मांग करते हैं। और लोक हित में कोई भी अधिकार हानि पहुंचाने वाला हो, व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत लाभ ना हो, पूरा सामूहिक हित हो, तो वो हानि पहुंचाने वाला है, तो उसको हम क्या कर दिया जाते हैं, उस अधिकार को नहीं दे सकते हैं, उस अधिकार को हटा दिया जाता है। पांचवा है, अधिकार सर्वव्यापी है। मतलब अधिकार ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने मांग की तो उसी को मिलेगा, सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाएंगे। इसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो अधिकार एक व्यक्ति को मिलते हैं वही अन्य व्यक्तियों को भी मिलेंगे। तो ये था पांचवा, ये अधिकार का लक्षण। छठवां है कि अधिकार समय के अनुसार परिवर्तनशील भी हो जाते हैं। समाज में जैसा वातावरण होगी, लोगों की विचारधारा होगी, समाज उसी के अनुसार समाज लोगों की मांग को स्वीकार करता है। तो ऐसा नहीं है, समय के और परिस्थितियों के अनुसार ये अधिकार बदल भी जाते हैं। फिर सातवां है, राज्य द्वारा संरक्षित अधिकार मिले हुए हैं तो राज्य द्वारा इसका संरक्षित है, कानून भी बनाया जाता है, और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। आठवां है, अधिकार सीमित भी हैं। अधिकार तो वैसे असीमित होते हैं, लेकिन सारे असीमित अधिकारों को हम दे नहीं सकते हैं, उनको एक व्यक्तिगत उसमें जोड़ा जाता है, उसका एक मुख्य भाग में उसको जोड़ दिया जाता है। और उन अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग ना कर सके और लोक हित में हानि ना पहुंचे। तो ये थे अधिकार के लक्षण थे। तो अधिकार और मांग में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये अधिकार क्या है कि विकास और अच्छे जीवन के लिए अधिकार आवश्यक है। अधिकार पहले मांग की जाती है, मतलब दावा, दावा मतलब मांग की जाती है, उसके बाद यदि वो उचित है तो समाज और सरकार इन्हें क्या कर देती है, स्वीकृत कर देती है और लागू करते हैं, तब वे दावे जो हमने मांग की है वो अधिकार बन जाते हैं। कब? शुरू शुरू में क्या होता है कि जो दावे होते हैं वो ऐसा लगता है विरोधी हैं, विरोध कर रहे हैं। बाद में सभी दावे यदि अनुचित रहते हैं तो वो अधिकार नहीं बनते, और जो अच्छे रहते हैं तो उनको मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो
तो अधिकार और दावे में थोड़ा सा अंतर है। पहले दावे किए जाते हैं, प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, उसके बाद वो अधिकार में बदल जाते हैं। धन्यवाद।